तो आज हम बनाएंगे चीज़ी टार्ट। तो चीज़ी टार्ट बनाने के लिए हमें चाहिए वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स को हमें एकदम बारीक चॉप करना होगा। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक चॉपर, और इसके अंदर मैं सारे वेजिटेबल्स को चॉप कर लूँगी। यहाँ पे मैंने गाजर, कैप्सिकम और प्याज का यूज़ किया है। आप कोई सा भी वेजिटेबल ले सकते हो। आप यहाँ पे कॉर्न, टमाटर और पनीर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो सबको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो ये देखिए, हमारे ये वेजिटेबल्स कट होके रेडी हो चुके हैं। तो अब इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है, और अब इसके अंदर हम सीजनिंग करेंगे। तो मैंने पहले डाला है थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब मैंने यहाँ पे लिए हरी चटनी, ये रेडीमेड चटनी है। अगर आपके पास रेडीमेड नहीं है तो घर पे भी आप बना सकते हो। धनिया पुदीना की चटनी है ये। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है हाफ लेमन और काली मिर्च। अब मैंने डाला है थोड़ा सा धनिया, और अब इसके अंदर हम चीज को ग्रेट करके डालेंगे। और अब यहाँ पे मेरे पास है सेजवान चिल्ली गार्लिक सॉस। ये सॉस बहुत ही स्पाइसी होता है, तो इसका हम कम ही यूज करेंगे। अगर आपके पास ये सॉस नहीं है तो इसकी जगह आप कोई सा भी सॉस यूज कर सकते हो जो आपके घर में अवेलेबल है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, हमारा फिलिंग एकदम रेडी है। यहाँ पे मैंने लिया है रेडीमेड टार्ट, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। कोई भी ग्रोसरी स्टोर पे या फिर मॉल में आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये टार्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इस टार्ट के अंदर हमें फिलिंग भरना है। तो मैंने सारे टार्ट लगा दिए हैं, और अब इसके अंदर मैं फिलिंग भरूंगी। अब इसके ऊपर मैंने रखा है मोजरेला चीज, आप कोई सा भी चीज यूज कर सकते हो। और अब इसके ऊपर मैंने लास्ट में डाला है चिली फ्लेक्स, और अब इसको ओवन में 1 मिनट के लिए बेक कर देना है। 1 मिनट में चीज इजीली मेल्ट हो जाएगा। हमें चीज मेल्ट हो तब तक ही उसको ओवन में बेक करना है। तो ये देखिए, हमारे चीजी टार्ट एकदम रेडी है। अब इसको हम केचप से गार्निश कर लेंगे। यहाँ पे मुझे कोई डिजाइन सूझ नहीं रहा था, तो मेरे मन में जो भी आया वो डिजाइन मैंने बनाया है। और ये देखिए, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अगर आपके घर अचानक से गेस्ट आ जाए, बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, तो आप ये इजी टार्ट फटाफट से बना सकते हैं। ये देखने में जितनी सुंदर है उतने खाने में टेस्टी भी है। तो ये इजी और टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो आपकी चीज कितना मस्त फूल हो रहा है, और देखने में तो बहुत ही चीजी चीजी और टेस्टी लग रहा है। और इसके अंदर वेजिटेबल्स भी है बहुत सारे, तो थोड़ा सा हेल्दी भी है। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब। ओके, बाय।